अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। चैप्टर नंबर 1 जो है ये हमारा सारा क्लियर हो गया, ठीक है। फ्रेजिंग, पंक्चुएशन, फिर हमने एक्सरसाइज भी कर ली, ओके। आज है चैप्टर नंबर 2 और ये आज हमारा 6 लेक्चर है, ओके। तो इसमें हमने पिछले चैप्टर में हम लोगों ने 6 कंसोनेंट्स पढ़े थे, पी बी टी डी जे जे। इस चैप्टर में हम लोगों ने 8 कंसोनेंट्स पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 8 कंसोनेंट्स। और पिछले चैप्टर वाले कंसोनेंट्स जो थे वो क्या थे? स्ट्रेट स्ट्रोक्स रिटन डाउनवर्ड। और आज वाले कौन से हैं? कर्व स्ट्रोक्स रिटन डाउनवर्ड। आज के जो हमारे स्ट्रोक्स हैं वो सारे कर्व में हैं, ठीक है। पिछले चैप्टर वाले स्ट्रेट थे, ये वाले कर्व में हैं। तो ये मैं आपको नोटबुक से बता देती हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नोट किया है। सेकंड ग्रुप ऑफ कंसोनेंट्स हम लोग पढ़ेंगे जो के हैं 8, ठीक है। और ये कौन से स्ट्रोक्स हैं? कर्व स्ट्रोक्स रिटन डाउनवर्ड, ठीक है। पहला क्या है हमारे पास? एफ। एफ के लिए अब मैं आपको बुक से दिखाती हूँ, उसने 3 तरह के स्ट्रोक्स बताए हैं कि 3 तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये देखें, पहले इस तरह का बताया, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने जो प्रैक्टिस करनी है वो इस थर्ड वाले की करनी है। वो क्यों? क्योंकि ये दोनों तकरीबन स्ट्रेट से ना मिलते जुलते हैं। तो जब आप लोग स्पीड में लिखेंगे शॉर्ट हैंड, जब आपकी स्पीड बन जाएगी, आप स्पीड में लिख रहे होंगे, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि हमने पी लिख दिया या बी लिख दिया, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने ये थर्ड वाला लिखना है, ठीक है। देखें किस तरीके से लिखना है। जितना ऊपर से हम लोग लेंगे, जितना ऊपर से हम लोग लेंगे इतना ही इधर नीचे से लेंगे, इनकी लेंथ सेम हो, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा एफ, लाइट स्ट्रोक है। फिर वी, वी के लिए जो है वो इसी तरह का स्ट्रोक लेकिन डार्क में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रोक जो है वो ये भी टी एच है, ये भी टी एच है, लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग स्पेलिंग पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा सारा फोकस जो है वो साउंड्स पे होगा, ठीक है। अब अगर कहीं पे हमें इट की साउंड सुनाई दे दी है किसी वर्ड में, जैसे कि थाई है, थिंक है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इस तरह का लाइट स्ट्रोक यूज़ करेंगे इट के लिए, सी टाइप का, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस तो पता चल गया ना, ये थोड़ा इस तरह के और ये सी की तरह है, ठीक है। अब जहाँ पे हमें डी की आवाज़ सुनाई देगी, जैसे देम, देम में डी की आवाज़ सुनाई दे रही, इट जैसी साउंड नहीं आ रही, अलग अलग साउंड्स हैं, तो इसके लिए हम इसी तरह का स्ट्रोक डार्क में लेंगे। इट के लिए लाइट है, डी के लिए डार्क है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एस। एस के लिए भी इसी तरह का सी जैसा स्ट्रोक होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो थोड़ी चेंज हो गई है, लिखना डाउनवर्ड ही है, लेकिन इसको इस तरफ करके लिखना है। इट इस साइड पे था, एस इस साइड पर, ठीक है। फिर जी है, इसको भी इसी तरह लिखना है लेकिन वो हैवी में लिखना है, ठीक है। जी जैसे आइज, आइज के स्पेलिंग अब क्या है? ई वाई ई एस, लिखा हमने एस है लेकिन हमने क्या कहा था? स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना, आइज, जी की आवाज़ आ रही है, तो जब हम लोग इसको लिखेंगे ना आइज को, तो इसके लिए हम लोग जी का स्ट्रोक यूज़ करेंगे, ठीक है।
एस के लिए यहाँ पे जी का स्ट्रोक यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास आ गया इश, एस एच इश, इश के लिए लाइट स्ट्रोक होगा, और लाइट स्ट्रोक जो है वो बिल्कुल जैसे एफ और वी वाला था ना, बिल्कुल उसी तरह है लेकिन डायरेक्शन चेंज है। ओके, डायरेक्शन चेंज कर दी सिर्फ, बाकी बिल्कुल उसी तरह से लिखना है इश का। जैसे कि हमारे पास शी है, विश, तो इनके लिए हम लोग इश का यूज़ करेंगे। फिर यी है हमारे पास, यी, जैसे कि मेयर, प्रेयर, यूजुअल, इन जैसे वर्ड्स के लिए हम ये वाला स्ट्रोक यूज़ करेंगे। इसी तरह का है लेकिन हैवी में। तो ये आज हम लोगों ने 8 कॉन्सनेंट्स पढ़ने हैं, इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर इसी के साथ बुक में आगे उसने, पिटमैन ने शॉर्ट फॉर्म्स भी दे दिए हैं। जैसे वो पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ना, बी का जो स्ट्रोक है वो बी ई बी के लिए यूज़ होगा, इट के लिए टी का स्ट्रोक, विच के लिए चे का स्ट्रोक, इसी तरह से यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म्स बता दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने लिख दिया है कि 6 शॉर्ट फॉर्म्स इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़नी है। जो वी का स्ट्रोक होगा, यहाँ पे मैंने तो इस तरह से लिख दिया, लेकिन आप लोग जब लेक्चर नोट करेंगे ना, तो आप लोग यहाँ पे वी का स्ट्रोक भी लिखेंगे, जी का भी लिखेंगे, इश का भी लिखेंगे, यी का भी लिखेंगे, ठीक है। तो वी का जो स्ट्रोक है, ये वी वाला, जब सिर्फ ये वी वाला स्ट्रोक लिखा होगा तो वो हैव के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर किसी जगह पे हम लोगों ने लिखना हो आई हैव अ बुक, तो हैव की जगह हम लोग सिर्फ ये वी वाला स्ट्रोक भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट का जो स्ट्रोक है वो थिंक के लिए भी यूज़ हो सकता है। इसी जगह पे हम लोगों ने थिंक लिखना हो तो हम लोग सिर्फ इट वाला स्ट्रोक लिख देंगे। अब जो डी वाला स्ट्रोक है वो देम के लिए भी यूज़ हो सकता है। इसी तरह जी वाला जो है वो वाज के लिए यूज हो सकता है। कहीं पे वाज लिखना हो तो सिर्फ हम लोग जी लिख देंगे, जी नहीं लिखेंगे, जी का स्ट्रोक लिखेंगे ये, ठीक है। इश के लिए, सॉरी शेल के लिए इश वाला स्ट्रोक, ये लाइट में, ठीक है। ये यूजुअल और यूजुअली जहाँ पे लिखना होगा उसके लिए हम लोग ये वाला स्ट्रोक यूज़ करेंगे, ये वाला डार्क में, हैवी में, ठीक है। ये 6 शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आप लोगों ने याद करनी है, नोट करनी है, ओके। ये चेक कर लें, अगर फिर भी इन स्ट्रोक्स में अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। मैं अपनी हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो है ना, वो मैंने अपना नंबर दिया होता है, अपना व्हाट्सएप नंबर, तो वहाँ से आप लोग नंबर नोट डाउन कर लीजिए और फिर मुझसे रابطہ कर लीजिएगा। तो ये थे 8 कॉन्सनेंट्स और शॉर्ट फॉर्म्स। अब इस चैप्टर में उसने, अच्छा ये थोड़ी सी एग्जांपल्स भी देख लें, एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे कि दे है, दे के लिए दे दी वाला स्ट्रोक यूज़ किया, और साथ में दे ए की साउंड आ रही है ना, लॉन्ग ए की, तो हमने हैवी डॉट लगा दिया दे का, पहले नहीं आई थी, दे के बाद आ रही थी तो हमने बाद में साउंड लगा, वावल लगा दिया, साइन। अब से है, से के लिए हम लोगों ने एस का स्ट्रोक यूज़ किया, साथ में बाद में डॉट लगा दिया। अब फेड है, फेड के लिए हम लोगों ने एफ का स्ट्रोक यूज़ किया, साथ ही डी का कर दिया, और फेड लॉन्ग ए की साउंड आ रही है तो हम लोगों ने लॉन्ग ए का हैवी डॉट लगा दिया। ये था फेड। अब ये है फेड, लिखना उसी तरीके से है, एफ का वो स्ट्रोक, डी का स्ट्रोक, साथ में लाइट डॉट, फेड, ये फेड है, ये फेड है, ठीक है। फिर है डेथ, डी का स्ट्रोक, डेथ, इत की साउंड आ रही है, डी की नहीं आ रही, डेथ में एस का स्ट्रोक, सॉरी इत का स्ट्रोक लिखा, साथ में डेथ के बाद वो शॉर्ट ई की आवाज़ आ रही है ना साउंड, तो ई का
लाइट ड्रॉप लिख दिया। अब ये जो है एस्से, एस्से में क्या है कि हम लोगों ने एस का स्ट्रोक यूज़ किया। अब इसमें दो साउंड्स हमें आ रही हैं, आ रही हैं एस और से। शुरू में हमें शॉर्ट ई की साउंड आ रही है एस, और बाद में से लॉन्ग ए की साउंड आ रही है। तो हम पहले एस का डॉट लिखेंगे, फिर लॉन्ग ए का डॉट लिख देंगे। यहाँ पे लाइट, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, ठीक है। फिर इस चैप्टर में, इसमें और बुक में और भी एग्जांपल्स हैं, वो मैं भी आपको दिखा दूँगी, आप लोग वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए 5-6 एग्जांपल्स आप लोगों को दिए। तो बाकी ये देख लें, ये सारी इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। सेकेंड चैप्टर में बस हम लोगों ने 8 कर्व्स पढ़ने थे, और वावल लॉन्ग ओ एंड शॉर्ट यू, बस इन दोनों का भी ना डिस्कस कर लेते हैं आज, बहुत इजी है, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा कल, फिर हम लोग ये एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ओके। इसका मैं आपको वावल ओ एंड शॉर्ट वावल यू का बता देती हूँ कि ये क्या है। लॉन्ग वावल, देखिए पहले जो हम लोगों ने पढ़े थे ना पिछले चैप्टर में, मैं आपको दिखा देती हूँ पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि सेकंड प्लेस वावल जो हैं वो 4 हैं। सेकंड प्लेस वावल में सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ लिया था वावल लॉन्ग ए, इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, हैवी डॉट से। फिर हम लोगों ने वावल शॉर्ट ए पढ़ लिया, इसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने लॉन्ग ए और शॉर्ट ई पढ़ा था, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये भी सेकंड प्लेस वावल ही है, ठीक है, सेकंड प्लेस ही है, और पढ़ना क्या है, लॉन्ग ओ एंड शॉर्ट यू। तो सेकंड प्लेस वावल हमारे 4 जो हैं वो कंप्लीट हो गए, ए ई ओ यू, लॉन्ग ए शॉर्ट ई लॉन्ग ओ शॉर्ट यू, ठीक है। लॉन्ग ए को जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ओ एंड यू जो हैं ये दोनों डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ओ के लिए जो होगी वो हैवी डैश होगी, यू के लिए लाइट डैश होगी, ठीक है। ओ के लिए हैवी डैश, शॉर्ट यू के लिए लाइट डैश। एग्जांपल्स हैं जैसे टो, ओ की साउंड सुनाई दे रही है, टो, टी का स्ट्रोक लिखा साथ में हैवी डैश लगा दी। ओट, टी का स्ट्रोक लिखा, अब इसमें ओ की साउंड पहले आ रही है, ओट, टो में ओ की साउंड बाद में आ रही थी, ओट में पहले आ रही है, तो पहले हम लोगों ने हैवी डैश लगा दी। फिर है फो, एफ का स्ट्रोक लिखा, फो बाद में साउंड सुनाई दे थी, तो हमने सेकंड प्लेस पे ये लगा दिया, ऊपर भी नहीं लगाया नीचे भी नहीं लगाया, सेकंड प्लेस पे लगाया, ठीक है, क्योंकि हम लोग को, हम लोग ये सेकंड प्लेस वॉवल पढ़ रहे हैं। फिर है ओज, अब स्पेलिंग देखें, साउंड हमें एस की सुनाई दे रही है, और सॉरी स्पेलिंग जो है वो एस के हैं, ओ डब्ल्यू ई एस, ओज, लेकिन साउंड किस चीज़ की आ रही है, जी की, ओज, तो हम लोग जी वाला स्ट्रोक यूज़ किया डार्क, और साथ में सिंबल लगा दिया, साइन लगा दिया वॉवल का। फिर शॉर्ट वॉवल यू, ये लाइट है, लाइट डैश है इसकी। अब जैसे अप, शॉर्ट से साउंड दे रही है ना, अप सुनाई दे रही है, तो पी का स्ट्रोक साथ में लाइट सी डैश, अस, एस का स्ट्रोक साथ लाइट सी डैश, टच, टी का स्ट्रोक, फिर जे का स्ट्रोक, ये जे का स्ट्रोक साथ में लाइट डैश, जज, जज में अब हमें दो दफ़ा साउंड सुनाई दे रही है, जज दो दफ़ा दे रही है, तो हम लोग जे को दो दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा जे लिखा, फिर साथ फिर में एक दफ़ा और लिख दिया जे, और साथ में ये डैश लगा दी, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, क्या पढ़ा हमने, फर्स्ट
एट सो सेकंड ग्रुप है हमारे पास एट कंसोनेंट्स का, जो के हैं कर्व स्ट्रोक्स रिटर्न डाउनवर्ड। ये सारे एफ वी इथ दी एस जी इश यी, इन सब के स्ट्रोक जो हैं वो कर्व में हैं। ये किस तरह से लिखने हैं ये मैंने आपको समझा दिया है, अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर है शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स वी के लिए जो यूज़ होगी वो हैव के लिए होगी, इट के लिए जो होगी वो थिंक के लिए यूज़ होगी, दी वाली देम के लिए, जेड वाली वाज के लिए, सॉरी जेड नहीं जी, जी वाली वाज के लिए, इश वाली शेल के लिए, ही वाली यूजुअल और यूजुअली के लिए। फिर मैंने एग्जांपल सी थी आपको, एग्जांपल समझा दी। फिर लॉन्ग वावल ओ को हम लोगों ने डिस्कस किया कि हैवी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके भी एग्जांपल्स से मैंने आपको समझा दिया। फिर शॉर्ट वावल यू को लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसका आप लोग ले रहे हैं स्क्रीन शॉट, फिर आप लेक्चर नोट कर लीजिएगा। ग्रुप में मैं आप लोगों को होमवर्क सेंड कर दूंगी, ठीक है। जो ये आप लोग लेक्चर नोट करते हैं ना, ये सिर्फ अपने लिए नोट किया करें, मुझे ग्रुप में मत सेंड किया करें, ठीक है। मुझे सिर्फ होमवर्क की सेंड किया करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, बुक से भी मैं दिखा देती हूँ। सॉरी, चलें बुक से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये भी नोट डाउन कर लें। सॉरी सॉरी, सॉरी, ये जो मैंने आपको ये पेज बताया ना, ये पेज नंबर 7 है, ये नेक्स्ट चैप्टर का है, तो ये नोट नहीं करना, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना। एक्चुअली यहाँ पे हवा चल रही है तो पेज उड़ के दूर चला गया, तो ये वाला इसके साथ का पेज है, ये हम लोगों ने शॉर्ट वावल यू पढ़ा, तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी एग्जांपल्स भी गिवन है, ठीक है। ये ले, ये जो था ना, ये अब नेक्स्ट पे आएगा, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, तो उसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ये ध्यान रखना, वो मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ना था हमने, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।